जय हिंद, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम लोग देखने वाले हैं परंपरा का मूल्यांकन, कक्षा 10 हिंदी गोधोली का अध्याय नंबर 7, इसका सब्जेक्टिव। ठीक है ना, इससे पहले हमने आपको पूरा जो निबंध है वो मैंने आपको सुनाया है एक वीडियो में अच्छे से, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, और अगर आपने वर्णिका का या फिर गोधोली का कोई वीडियो नहीं देखा है तो वो सारा का लिंक नीचे आ जाके आप पूरा देख सकते हैं। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदी हमारे देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से नहीं कोई क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक डॉक्टर राम इस पाठ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था, है ना, उन्नाव जिले में हुआ था, और उच्च गाँव भी नाम था शायद उसका, है ना, उच्च गाँव था भी उसका, है ना। आपको निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और है ना उनका निधन 30 मई 2020 को हुआ था। ये भी मैंने आपको निबंध वाले पर्सन में पूरे अच्छे से बताया था, फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार आपको रिविज़न करा दिया। नेक्स्ट है हमारा, आपकी प्रमुख रचनाएँ कौन कौन सी हैं? तो पहला आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनेगा मुझे पता है, 2-3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए ज़्यादा आवश्यक है और क्यों, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है, ये हमारा आंसर है। और ये मैंने आपको निबंध वाला पोर्शन में भी बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है ना, कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। कॉपी पर लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप एक दो बार रिविज़न कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातीयता का बोध होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो बहुजातीयता का जो मुख्य आधार है वो हमारी क्या है, संस्कृति और इतिहास ही है हमारा, जो कि बहुजातीयता का मुख्य आधार है, ठीक है ना। तो इस अध्याय से मेरे ख्याल से दो ही क्या है ना, हमने क्या लिखा है कि इस अध्याय के यही दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, यही दोनों प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या था हमारा, पहला प्रश्न था कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों, और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारत की बहुजातीयता मुख्य संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे, ठीक है। तो चलिए, मैंने पहले ही बोला था कि परंपरा का मूल्यांकन अध्याय जो है इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ये कोई कहानी नहीं है, एक निबंध है। मैंने इसमें 3 वीडियो बनाया, पहला बनाया निबंध के नाम से, दूसरा मैंने ऑब्जेक्टिव के नाम से बनाया, और तीसरा मैंने सब्जेक्टिव के नाम से बनाया। आप तीनों वीडियो को देख लीजिए। अगर इससे पहले बहादुर तक वाला आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के श्रम विभाजन जाति प्रथा से लेकर बहादुर तक देख लीजिए, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं। अगर आपने वर्णिका नहीं पढ़ा तो वर्णिका को भी पढ़ लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने दोस्तों को भी आप ये चीज़ दिखाना चाहते तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सके। देखो, कुछ कुछ चैप्टर ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा मज़ा नहीं होता है, ठीक है ना, फिर भी मैंने प्रयास किया था बच्चों, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, ठीक है ना। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो 7700879453 पर आप कॉल करेंगे, और 150 रुपये पे करके आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।